This is NDTV. And you're watching NDTV Prime. In association with Micromax, nothing like anything. नमस्कार, मैं क्रांति संभव, प्रॉपर्टी इंडिया में आप सभी का स्वागत है। इस प्रोग्राम में जहां आपको निवेश की सही और सटीक सलाह मिलती है, हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के साथ जानिए कि आपके बजट में कहां सही प्रॉपर्टी मिल रही है, कहां पर निवेश आपको फायदा पहुंचा सकता है। आपके सवालों के जवाब के साथ हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट भी मौजूद हैं, प्रॉपर्टी की हेड ऑफ ऑपरेशन वैशाली पावा। स्वागत है आपका स्टूडियो में वैशाली। लेकिन सवालों के सिलसिले को शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं कि आज क्या कुछ खास है प्रॉपर्टी शो में। अपना मकान बेचने के आड़े आ रही बिल्डरों की शर्तें, कभी समय की बंदिश, कभी मुनाफे में हिस्से की मांग। बिल्डरों की ये शर्तें कितनी नाजायज, और क्या नियामक कानून बनने के बाद ये शर्तें होंगी रद्द। रिहायश या निवेश के जरिए शहर के कौन से इलाके सबसे बेहतर हैं, पाइए अपने सवालों के जवाब। राज क्रिसल की नजर होगी चंडीगढ़ के प्रॉपर्टी बाजार पर और मिलेगी खास प्रोजेक्ट को स्टार रेटिंग। तो रियल एस्टेट नियामक बिल को संसद में मंजूरी मिल चुकी है, खरीदार खुश हैं। बिल्डरों का यह भी मानना है कि कुल मिलाकर उद्योग के लिए हालात सुधरेंगे। बिल्डर अक्सर ये शिकायत करते हैं कि कुछ बिल्डरों की वजह से पूरा उद्योग बदनाम हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे चलन हैं जो बिल्डरों में बहुत आम हैं। जैसे खरीदार अगर अपना ही मकान बेचना चाहे तो उसकी राह में कई अड़चने आती हैं। 31 साल के आशीष ओझा ने 2012 में मुंबई के अपने घर का कब्जा लिया। खुद एक तजुर्बेकार रियल एस्टेट निवेशक होने के नाते उन्होंने 2015 में बढ़े हुए दामों पर अपना मकान बेचने का फैसला किया। एक खरीदार भी मिल गया जिसे बेचकर उन्हें अपने निवेश पर 25% का फायदा मिलता। लेकिन सौदा होता इससे पहले बिल्डर ने आशीष से तबादले का शुल्क मांगा। शर्तों में इसका कोई जिक्र नहीं था, इसलिए जब उसने मुझे बड़े से कागज पर दाम दिखाए और कानूनों का हवाला देते हुए कहा कि बेचने से पहले एग्जिट लोड देना पड़ेगा, इतने रुपए का ट्रांसफर चार्ज होगा, तो मैंने कहा कि मैं ये पैसे क्यों दूं। मुश्किल में 2.5-3 साल में मैं अगर 10 रुपए का मुनाफा कमा रहा हूँ तो तुम्हें 3 रुपए क्यों दूं? I should pay you 3 rupees out of it। ये ट्रांसफर चार्ज आखिर होता क्या है? दरअसल ये वो रकम होती है जो बिल्डर अक्सर खरीदारों से तलब करते हैं जब वो अपना मकान बेच रहे होते हैं। इसकी कोई तय दर नहीं है, 100 रुपए प्रति वर्ग फुट से लेकर 1,000 रुपए प्रति वर्ग फुट या उससे भी ज्यादा मांगी जाती है। बिल्डर इसके जरिए ये सुनिश्चित करते हैं कि खरीदार बिल्डर के अनबिके मकानों के दाम से कम कीमत में घर न बेचें। साथ ही दाम बढ़ने की हालत में बिल्डर को भी मुनाफे में हिस्सेदारी मिले। विशेषज्ञों के हिसाब से ये ट्रांसफर चार्ज अवैध है। एक बार बिल्डर ने आपको बेच दिया तो उसके बाद उसके पास कोई टाइटल नहीं रहता, इसीलिए अगर वो ट्रांसफर चार्ज मांगता है तो वो अवैध है। मुश्किल ये है कि भारत में खरीदारों को लोन देने वाले बैंक बिल्डरों से एनओसी की मांग करते हैं। इस बहाने बिल्डर मुंबई जैसी जगहों में तो 1,000 रुपए प्रति वर्ग फुट तक पैसे लेते हैं, और वो भी नकद, जिसका कहीं रिकॉर्ड नहीं। इसके अलावा खरीदारों पर कई बार ये बंदिश भी होती है कि एक तय मियाद तक वो घर नहीं बेच सकते। ये शर्त काफ़ी आम है जिसे नामी बिल्डर तक अपने करारों में शामिल करते हैं। हालांकि खरीदार को लगता है कि वो जब चाहे उसे अपना घर बेचने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन जानकारों की राय में ये शर्त हटानी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि बिल्डर नहीं चाहते कि ऐसी बिक्री से उनके दामों पर असर पड़े। खरीदार चाहता है कि वो जब चाहे बेचकर निकल जाए, चाहे उसे मुनाफा मिल रहा हो या पैसों की जरूरत के कारण बेच रहा हो। बिल्डरों का नजरिया अलग होता है, एक ही परिसर में उसकी कई बिल्डिंगें हो सकती हैं। 1,000 rupees coming and 6,000 rupees in exiting, which spoils his market। लेकिन सब ऐसा नहीं सोचते। कई बिल्डरों ने इस चलन को ठुकराया है और दूसरों के लिए एक मिसाल खड़ी की है। I don't see my clients as my competitors। मैं अपने ग्राहक को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता। हमारे सारे दफ्तरों, सारे प्रचार आदि में ये बताते हैं कि हमारे यहाँ कोई ट्रांसफर चार्जेस नहीं है, ना नो लॉक इन पीरियड है, साथ ही नो एस्केलेशन क्लॉज भी है।
इन बातों से भरोसा बढ़ता है और आने वाले दिनों में भी आपकी साख बढ़ेगी। बड़े बिल्डरों को भी ये चरण अपनाना चाहिए और अगर ऐसा हो गया तो रियल एस्टेट की छवि भी काफी हद तक बदल जाएगी। अगर आप खुद को ऐसे हालात में पाए तो क्या करेंगे? पहले तो ऐसा कोई करार कीजिए ही नहीं जिसमें घर बेचने पर बंदिश या ट्रांसफर फीस की मांग हो। फिर डेवलपर से समझौता करने की कोशिश कीजिए कि ये शर्तें आप पर लागू न हो। अगर डेवलपर फिर भी नहीं मानता तो वो घर मत खरीदिए। आज के बाजार में आपको बहुत से ऐसे घर मिल जाएंगे जहां बिल्डर ऐसी बंदिशें नहीं लगाएंगे। मुंबई से निखिल नारायण शिवदास की रिपोर्ट, NDTV। तो अब बारी है आपके सवालों के जवाब देने की, जिसके लिए हमारे साथ हैं हमारी खास एक्सपर्ट प्रॉपर्टी इक्विटी की हेड ऑपरेशंस वैशाली पावा। शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के इस सिलसिले को। वैशाली, सबसे पहले सवाल हम ले रहे हैं साहिल सचदेवा का। साहिल साहब, पूछिए अपना सवाल। जी सर, मेरा ये सवाल है, मैं निवेश के लिहाज से घर लेने का सोचा है और मेरा बजट 50 लाख रुपए है। सेक्टर 70 नोएडा में देख रहा हूँ और पैन ओएसिस मैंने शॉर्टलिस्ट किया है, तो क्या ये बेहतर विकल्प होगा या कोई और आप सजेस्ट करना चाहें? विकल्प पर जानना चाहते हैं वैशाली। साहिल जी, आपने सेक्टर 70 चुना है, हम आपके लिए राय सेक्टर 74 और 76 में भी लाए हैं, नोएडा के सेक्टर्स हैं ये। सेक्टर 70 जो आपने चुना है, ये नोएडा ग्रेटर नोएडा लिंक रोड से वेल कनेक्टेड सेक्टर है, करीब 2.5 से 3 किलोमीटर दूर है नोएडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से, तो पोजीशनिंग इसकी अच्छी है। आइए कुछ और आंकड़े आपके साथ शेयर करते हैं सेंट्रल नोएडा के सेक्टर्स के, जो डेटा हम आपको दिखा रहे हैं रेडी टू मूव इन या फिर नियरिंग कम्प्लीशन यूनिट्स का दिखा रहे हैं। कुल मिला के प्रोजेक्ट्स यहाँ 57 है, टोटल सप्लाई 40,260 यूनिट्स की है, उपलब्ध यूनिट्स 1,710 है और इन्वेंट्री ओवरहैंग करीब 20 महीनों की चल रही है। मिड सेगमेंट के औसत दाम 5,350 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे हैं और दामों में बढ़त पिछले 2.5 सालों में करीब 20% तक की देखी गई है, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स को करीब 8-9% के बीच में रहे हैं सालाना रिटर्न्स। अब आते हैं आपके चोजन प्रोजेक्ट पे। आपने सेक्टर 70 में पैन रियल्टर्स का पैन ओएसिस प्रोजेक्ट चुना है, 4,900 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे ये रीसेल से मिल रहा है। 2 BHK की 1,041 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं, 2016 में ये रेडी हो जाएगा। अब करीब 18.5 acres पे 18 टावर्स बनाए जा रहे हैं वेरिंग हाइट्स के, ग्राउंड टू 18 से ग्राउंड टू 22 फ्लोर्स के स्ट्रक्चर्स होंगे। प्रोजेक्ट की लोकेशन इसकी खास स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मेन नोएडा ग्रेटर नोएडा लिंक रोड पे ये लोकेटेड है। अगर देखें तो सेक्टर्स जो नोएडा के सेक्टर 62 और 63 हैं उसके काफ़ी करीब पड़ता है, साथ में ऑपरेशनल मेट्रो स्टेशन जो हैं सभी 3 किलोमीटर के दायरे में हैं। प्रोजेक्ट में थोड़े डिलेज बने रहे थे लेकिन आज की डेट में अगर स्टेटस ऑफ कंस्ट्रक्शन देखें तो हमें उम्मीद है कि अगले 2 से 4 महीनों के भीतर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, इसीलिए हमें इतनी दिक्कत नहीं नज़र आ रही है इसके कंप्लीशन में। हमारी राय में आप इसे चुन सकते हैं, प्राइस एडवांटेज है इसके भीतर, कमर्शियल सेक्टर्स काफ़ी आसपास हैं, लोकेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इसकी। डिलेड प्रोजेक्ट ज़रूर रहा है लेकिन बिल्कुल नियरिंग कंप्लीशन पहुँच चुका है और जल्द मिलने की उम्मीद है, इसीलिए आप इसे ज़रूर चुन सकते हैं। इसके अलावा हम आपके लिए 2 और प्रोजेक्ट्स की राय भी हैं जो आप देख सकते हैं चुनाव करने से पहले। सेक्टर 76 में सेठी ग्रुप का मैक्स रॉयल 4,700 टू 4,900 रुपीस पर स्क्वायर फुट पे आप रीसेल से ले सकते हैं, 2 BHK की 895 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2015 में रेडी हो गया था इसलिए कोई एग्जीक्यूशन यू नो प्रॉब्लम्स नहीं है इसमें। मैक्स रॉयल 5 एकड़ पे बनाया गया है, 9 टावर्स हैं, ग्राउंड प्लस 19 टू स्टोरीज से लेकर ग्राउंड प्लस 14 स्टोरीज़ के भी टावर्स हैं, मेन इंटरनल रोड पे लोकेटेड है, प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन बिल्कुल पूरी तरीके से कंप्लीट है, 7 टावर्स का हैंडओवर भी हो चुका है, कुछ परिवार इसमें मूव इन भी कर चुके हैं जो एक हेल्दी साइन है, और बाकी 2 टावर्स का पोजेशन चल रहा है, प्राइस एडवांटेज भी मिल रहा है आपको। दूसरी राय आपके लिए सेक्टर 74 में सुपरटेक लिमिटेड का केप टाउन 4,400 टू 5,200 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप रीसेल से ले सकते हैं, 2 BHK की 930 स्क्वायर फुट की यूनिट है जो आपके बजट के भीतर है, 2016 में ये पार्शली रेडी हो जाएगा। ये 50 एकड़ की टाउनशिप का हिस्सा है जिसमें काफ़ी लग्जरी ऑफरिंग्स भी दी जा रही हैं, इसके साथ में 100 एकड़ का सेक्टर पार्क भी सटा हुआ है। प्रोजेक्ट पार्शली कम्प्लीट हो चुका है, कुछ टावर्स का हैंड ओवर भी हुआ है और काफ़ी बाकी टावर्स जो है वो एडवांस स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन तक पहुँच चुके हैं। इसके भीतर इन हाउस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कमर्शियल स्पेसेस, पेंट हाउस के साथ साथ विलास भी हैं और प्राइस एडवांटेज भी मिल रहा है। तो वैशाली, आपने जो रिकमेंडेशन दी, एक बार फिर से हम याद दिला दें कि मैक्स रॉयल जो सिटी ग्रुप का है वो रेकमेंड किया वैशाली ने, और इसके अलावा केप टाउन जो सुपरटेक कंपनी का लिमिटेड का है वो उन्होंने रेकमेंड किया है। इसके बाद हम सवाल लेते हैं जो कि मेल के जरिए आया है। आशीष मिश्रा जानना चाहते हैं
एक घर वो लेना चाहते हैं अपने रहने के लिए। निवेश 50 लाख का उनका बजट है और लखनऊ के आसपास वो देख रहे हैं। क्या सलाह है आपकी? आशीष जी, आपके लिए हमने गोमती नगर एक्सटेंशन का चुनाव किया है। गोमती नगर एक्सटेंशन फैज़ाबाद रोड का हिस्सा है जो अपने आप में एक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। गोमती नगर से करीब 4 से 5 किलोमीटर दूर है। काफ़ी अच्छा एजुकेशनल हब भी माना जाता है इस क्षेत्र को। कमर्शियल और रिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। गोमती नगर एक्सटेंशन करीब 2 किलोमीटर दूर है गोमती नगर से, और गोमती नगर मेन CBD है जहाँ पर काफ़ी गवर्नमेंट ऑफिसेज लोकेटेड हैं, कई लोग रोज़गार के लिए आते हैं, इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग माइक्रो मार्केट्स हैं। आइए सबसे पहले गोमती नगर एक्सटेंशन के कुछ आंकड़े आपको दिखा दें प्रोजेक्ट्स पे आने से पहले। कुल मिलाकर प्रोजेक्ट्स देखें तो गोमती नगर एक्सटेंशन में 8 हैं। टोटल सप्लाई 3940 यूनिट्स की है। उपलब्ध यूनिट्स 1890 हैं और इन्वेंट्री ओवरहैंग करीब 31 मंथ्स की चल रही है। मिड सेगमेंट के औसत दाम 3500 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे हैं और दामों में बढ़त पिछले 2.5 सालों में करीब 18% तक की देखी गई है, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स को करीब 7-8% तक के रहे हैं सालाना रिटर्न्स। अब आते हैं आपके चोजन प्रोजेक्ट्स पे जो आपने अपने ईमेल में हमें लिखे थे। सेक्टर 6 गोमती नगर एक्सटेंशन में शालीमार कॉरपोरेशन लिमिटेड का वन वर्ल्ड विस्ता प्रोजेक्ट चुना है आपने। 3750 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे डेवलपर से ले सकते हैं। 2 BHK की 1250 या 1400 स्क्वायर फुट की यूनिट है। 2019 में ये तैयार होगा। ये एक टाउनशिप का हिस्सा है जो 212 एकड़ पे फैली गई है और बनाई जा रही है। रेजिडेंशियल कमर्शियल रिटेल के अलावा इस टाउनशिप के भीतर में स्कूल्स, बैंक्स, मॉल्स, हॉस्पिटल्स सभी बनाए जाएंगे। रिटेल के भी कई ऑप्शंस होंगे। ये जो अपने आप में प्रोजेक्ट है 9 एकड़ पे बनाया जाएगा। कुल मिला के 7 टावर्स होंगे ग्राउंड प्लस 18 फ्लोर्स के। लोकेशन इसकी काफ़ी अच्छी है अमर शहीद पथ पे। कंस्ट्रक्शन इसका शुरू हो चुका है और पोजेशन करीब 3.5 साल में मिल जाएगी। हमारी राय में एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, आप इसे चुन सकते हैं। जो दूसरा प्रोजेक्ट आपने चुना है सेक्टर 7 में गोमती नगर एक्सटेंशन में ओमैक्स लिमिटेड का ओमैक्स रेसिडेंसी 2, ये आप 2900 रुपये पर स्क्वायर फुट पे रीसेल मार्केट से ले सकते हैं। इसमें क्योंकि दाम इतने अच्छे हैं आपको 3 BHK की 1575 स्क्वायर फुट की स्पेशियस यूनिट मिल रही है अपने बजट के भीतर। 2018 में तैयार हो जाएगा और क्योंकि आपको एक बड़ी यूनिट मिल रही है इसीलिए हमने इसका ओहदा थोड़ा ऊँचा रखा है, इसको रैंक 1 दिया है आपके लिए। रेसिडेंसी फेज 2 जो है ये एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप का हिस्सा है जो ओमैक्स वर्ल्ड के नाम से जानी जाती है। 121 एकर्स पे बनाई जा रही है रेसिडेंसी फेज 2 जो है। 17 एकर्स पे ग्राउंड प्लस 18 स्टोरीज का बनाया जाएगा। अमर शहीद पद पे काफ़ी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। प्राइस एडवांटेज इसमें भी मिल रहा है आपको। हमारी राय में आप इसको भी चुन सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए हम एक और प्रोजेक्ट की राय लाए हैं सेक्टर 6 गोमती नगर एक्सटेंशन में MI बिल्डर्स का रिवियरा रेसिडेंसी 2, 3650 रुपीस पर स्क्वायर फुट पे आप इसे डेवलपर से ले सकते हैं। 2 BHK की 1185 टू 1250 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। ये 2017 में तैयार हो जाएगा। करीब 80,000 स्क्वायर फीट पे एक बुटीक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। 2 ब्लॉक्स हैं ग्राउंड प्लस 7 फ्लोर्स के। फेज़ 1 में 2 टावर्स हैं जो रेडी टू मूव इन है और प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छे से स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है अमर शहीद पथ पे। कंस्ट्रक्शन फेज 2 का जो है 2nd फ्लोर तक पहुँच चुका है और पोजेशन 2017 तक हो जाएगी। गोमती नगर रेलवे स्टेशन इस प्रोजेक्ट से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पे है। और वैशाली, अब अगला सवाल रमन पारिक का लेते हैं। वो लखनऊ से काफी दूर थाने से सवाल कर रहे हैं फोन लाइन के जरिए। रमन, क्या जानना चाहते हैं? लखनऊ से दूर जी रमन साहब, मेरे को बोईसर रेलवे स्टेशन के पास ग्राउंड फ्लोर का 3 BHK का एक फ्लैट लेने का है और 30-40 बजट है मेरा। ठीक है वैशाली। रमन जी, बोईसर का क्षेत्र आपने चुना है। बोईसर एक इस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्रियल हब माना जाता है। करीब 1500 इंडस्ट्रियल यूनिट्स यहाँ से ऑपरेट करती हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग यहाँ का एक मेजर ग्रोथ ड्राइवर है और काफ़ी जाने माने डेवलपर्स यहाँ के अफोर्डेबल हाउसिंग का डेवलपमेंट कर रहे हैं। फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से उभर के नहीं आ रहा है, लेकिन इतनी टाउनशिप्स बनाई जा रही हैं कि धीरे धीरे करके वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। आइए कुछ और आंकड़े आपके साथ शेयर करते हैं बोईसर ईस्ट के, जहाँ पर हम करके लाए हैं आपके लिए। जो डेटा हम दिखा रहे हैं रेडी टू मूव इन या फिर नियरिंग कंप्लीशन यूनिट्स का दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर प्रोजेक्ट्स 26 है इस क्षेत्र में। टोटल सप्लाई 9530 यूनिट्स की है। उपलब्ध यूनिट्स 1300 है और इन्वेंट्री ओवरहैंग करीब 26 मंथ्स का चल रहा है इस क्षेत्र में। मिड सेगमेंट के औसत दाम 2800 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे हैं और दामों में बढ़त पिछले 2.5 सालों में करीब 17% तक की देखी गई है, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स को करीब 7% तक के सालाना रिटर्न्स रहे हैं।
अब आते हैं प्रोजेक्ट रिकमेंडेशंस पे। सबसे पहली राय बोईसर ईस्ट में आपके लिए है टाटा वैल्यू होम्स का टाटा न्यू हेवन 1, 3,500 टू 4,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे रीसेल से ले सकते हैं। 2 BHK की 670 टू 930 या फिर 3 BHK की 1,200 टू 1,380 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। ये 2013 में ही तैयार हो गया था। एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप है ये 46.71 एकर्स की, जिसके भीतर 64 बिल्डिंग्स बनाई गई हैं ग्राउंड प्लस 4 फ्लोर्स की। प्रोजेक्ट एक सिल्वर रेटेड ग्रीन प्रोजेक्ट भी है और फेज़ 1 जो है इसका रेडी टू मूव इन है 2013 से। फेज़ 2 का कंस्ट्रक्शन अभी शुरू हुआ है। प्रोजेक्ट बोईसर रोड पर लोकेटेड है, 4 किलोमीटर दूर है बोईसर रेलवे स्टेशन से। दूसरी राय बोईसर ईस्ट में रूप रजत बिल्डर्स का रूप रजत पार्क 2,700 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे डेवलपर से ले सकते हैं। 1 BHK की 605 टू 625 या फिर 2 BHK की 831 टू 1,072 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2016 में पार्शली रेडी हो गया था, 40 एकर्स पे करीब 7+4 फ्लोर्स की बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं और स्टिल प्लस 4 फ्लोर्स की बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। फेज़ 1 जो है इसमें 11 बिल्डिंग्स अभी ओपन करी गई हैं बुकिंग के लिए, 8 बिल्डिंग्स जो हैं वो रेडी हैं पोजेशन के लिए और 3 जो हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और 2016 के एंड तक रेडी हो जाएंगी। और प्रोजेक्ट बोईसर रोड पर लोकेटेड है, 4 किलोमीटर दूर है बोईसर रेलवे स्टेशन से। प्राइस एडवांटेज इसमें मिल रहा है आपको। तीसरी राय आपके लिए बोईसर ईस्ट में महिंद्रा लाइफ स्पेसेस का हैप्पीनेस्ट 1, 3,095 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे डेवलपर से ले सकते हैं। 1 BHK की 540 या फिर 2 BHK की 675 टू 695 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2016 में तैयार हो जाएगा। 14.6 एकर्स पे ग्राउंड प्लस 4 फ्लोर्स की बिल्डिंग्स 3 फेजेस में बनाई जा रही हैं और प्रोजेक्ट एक प्री सर्टिफाइड ग्रीन प्रोजेक्ट है। फेज़ 1 में 9 बिल्डिंग्स हैं ग्राउंड प्लस 4 फ्लोर्स की जो रेडी हो जाएंगी मिड 2016 तक। फेज़ 2 में 6 बिल्डिंग्स हैं ग्राउंड प्लस 4 फ्लोर्स की जो मिड 2017 तक तैयार हो जाएंगी। प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन वेरियस स्टेजेस तक पहुँच चुका है, 1.5 किलोमीटर दूर है बोईसर रोड से और 5 किलोमीटर दूर है बोईसर रेलवे स्टेशन से। तो एक बार फिर से आपको याद दिला दें जो जानकारियाँ वैशाली ने आपके साथ बांटी उनमें से क्या क्या रेकमेंड उन्होंने किया। टाटा न्यू हेवन ये टाटा वैल्यू होम्स का प्रोजेक्ट है, ये उन्होंने रेकमेंड किया। इसके अलावा रूप रजत पार्क है, ये रूप रजत बिल्डर्स का है। और तीसरा उन्होंने हैप्पी नेस्ट जो महिंद्रा लाइफ स्पेसेस का है, हैप्पी नेस्ट 1, उसे रेकमेंड किया वैशाली ने। घर वहीं अभिषेक का अब हम आगे लेते हैं सवाल। और अभिषेक ने जो सवाल भेजा है वो हमें मेल के ज़रिए भेजा है और उसमें वो बता रहे हैं कि क्या उनका बजट है और क्या उनकी ज़रूरत है। 50 लाख का उनका बजट है और बेंगलुरु से ये सवाल पूछ रहे हैं वैशाली। अक्षय जी, आपके लिए 2 माइक्रो मार्केट्स सेलेक्टेड हैं, वाइट फील्ड और ओएमआर जिसमें आप निवेश कर चुके हैं। ओएमआर में काफ़ी प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग हैं, बड़े नामी डेवलपर्स यहाँ पे आ चुके हैं और जो रोड वाइडनिंग करी गई है NH4 की, उससे यहाँ का ट्रैवल टाइम काफ़ी रिड्यूस हुआ है, जो एक फ़ायदेमंद बात है इस क्षेत्र की। वाइट फील्ड हमने चुना है आपके लिए, इतनी जो IT हब है ये 400 से अधिक कंपनीज यहाँ से ऑपरेट करती हैं और एक सेल्फ सस्टेनिंग अर्बन एरिया है जहाँ का सोशल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आइए कुछ और आंकड़े आपके साथ दोनों मार्केट्स के शेयर करते हैं। डेटा रेडी टू मूव इन एंड नियरिंग कंप्लीशन प्रोजेक्ट्स का दिखा रहे हैं आपको। कुल मिला के प्रोजेक्ट्स OMR रोड पे 8 हैं और वाइट फील्ड में 151। टोटल सप्लाई OMR पे 2,650 यूनिट्स की है और वाइट फील्ड में 16,560 यूनिट्स की सप्लाई है। उपलब्ध यूनिट्स OMR पे 1,740 हैं और वाइट फील्ड में 1,950 यूनिट्स उपलब्ध हैं। इन्वेंट्री ओवरहैंग ओल्ड मद्रास रोड पे 29 मंथ्स की चल रही है और वाइट फील्ड पे करीब 23 मंथ्स की। मिड सेगमेंट के औसत दाम ओल्ड मद्रास रोड पे 4,200 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे हैं और वाइट फील्ड में 4,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के औसत दाम है। दामों में बढ़त पिछले 2.5 सालों में ओल्ड मद्रास रोड पे करीब 29% तक की देखी गई है और उसी दौरान वाइट फील्ड में करीब 14% तक की बढ़त नज़र आई है, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स को, ओल्ड मद्रास रोड पे करीब 12% तक के रहे हैं सालाना रिटर्न्स और वाइट फील्ड पे करीब 6% तक के रहे हैं सालाना रिटर्न्स। अब आते हैं आपके प्रोजेक्ट पे जो आपने OMR रोड पे लिया हुआ है, डिफाइनर वेंचर्स का डिफाइनर किंगडम 2 BHK की 1169 स्क्वायर फुट की यूनिट है। आपने 42 लाख में इसे खरीदा था, आज की डेट में ये करीब 49 लाख का बिक सकता है। 2015 तक ये रेडी हो गया था तो फ्रेश कंस्ट्रक्शन बेनिफिट्स भी मिलेंगे इसमें आपको। 3 एकड़ का प्रोजेक्ट है, 4 ब्लॉक्स हैं इसमें, ग्राउंड प्लस 7 फ्लोर्स का स्ट्रक्चर है। 4.5 किलोमीटर्स दूर है ये बुद्धिगिरी क्रॉस से, जो एक मेजर लैंडमार्क है। प्रोजेक्ट बिल्कुल रेडी टू मूव इन है। हमारी राय में आप इस प्रोजेक्ट में बने रहें क्योंकि आपको इससे अच्छे रेंटल रिटर्न्स मिलेंगे। इसकी लोकेशन काफ़ी अच्छी है, 10 से 12 किलोमीटर दूर है वाइट फील्ड से और
14 किलोमीटर दूर है ITPL से। जब मार्केट्स थोड़े बेटर हो जाते हैं तब इससे एग्जिट करना आपके लिए बेहतर होगा, इसीलिए यही अभी आप इसी में बने रहें। जो वाइट फील्ड में आप निवेश के ऑप्शंस चाहते थे वो हम चुन के लाए हैं आपके लिए। वाइट फील्ड में सबसे पहली राय आपके लिए है श्री हर्षा डिवेलपर्स का, हर्षा गेट वे 3850 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे डिवेलपर से ले सकते हैं। 2 BHK की 1145 स्क्वायर फुट की यूनिट बजट के भीतर है। 2015 में ये तैयार हो गया है प्रोजेक्ट। वाइट फील्ड रेलवे स्टेशन से सिर्फ आधा किलोमीटर दूर है। 2 एकड़ पे ग्राउंड प्लस 3 स्टोरीज के ब्लॉक्स बनाए गए हैं। प्राइस एडवांटेज भी मिल रहा है आपको। दूसरी राय आपके लिए वाइट फील्ड में यूनाइटेड कंस्ट्रक्शंस एंड प्रॉपर्टीज़ का यूनाइटेड एलिजियम 3600 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे डेवलपर से ले सकते हैं। 2 BHK की 1190 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है। 2016 में तैयार हो जाएगा। 500 मीटर दूर है ये वाइट फील्ड होस्कोटी मेन रोड से। 1.6 एकर्स पे ग्राउंड प्लस 4 फ्लोर्स का सिंगल ब्लॉक बनाया जा रहा है। प्राइस एडवांटेज इसमें भी मिल रहा है आपको। तीसरी राय आपके लिए वाइट फील्ड में सरोज ग्रुप का सरोज सिम्फनी 3600 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे डेवलपर से मिल रहा है आपको। 2 BHK की 1130 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2016 में तैयार हो जाएगा। इसमें 5 ब्लॉक्स हैं ग्राउंड 3 स्टोरीज के। प्रोजेक्ट बिल्कुल रेडी टू मूव इन है। ITPL से 5 किलोमीटर दूर है और प्राइस एडवांटेज इसमें भी आपके लिए। जो 3 प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में हम आपको याद दिला दें। हर्षा गेटवे उन्होंने जिक्र किया था, श्री हर्षा डेवलपर्स का ये रिकमेंड किया उन्होंने। यूनाइटेड एलिसियम है, यूनाइटेड कंस्ट्रक्शंस एंड प्रॉपर्टीज का ये भी उन्होंने रिकमेंड किया। और तीसरा प्रोजेक्ट जिसके ऊपर आप नजर डाल सकते हैं वो सरोज सिम्फनी है, सरोज ग्रुप का। अब एक छोटा सा ब्रेक लेने का वक्त आ गया, लेकिन उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की आपकी सारी उलझनों को सुलझाने की हम कोशिश करेंगे, आपके सवालों के जवाब देंगे, बताएंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी है हॉट। लेकिन उससे पहले नज़र डालते हैं आज के प्रोजेक्ट ट्रैकर पर, जो सेक्टर 144 नोएडा क्षेत्र से है।